दीपिका पादुकोण ने शेयर करती है अपनी फिल्म छपाक का फर्स्ट लुक। आज फिल्म की शूटिंग आज शुरू हो गई है। दीपिका एक एसिड अटैक सर्वाइवर का किरदार निभाएगी इस फिल्म में एंड हर नेम इन द फिल्म इज मालती। ये फिल्म रिलीज होगी ऑन द 10th of January 2020। इरफान खान अपना ट्रीटमेंट करवा के लौट आए हैं एंड इज ऑल सेट टू रोल नाउ। इरफान बहुत ही जल्दी अपनी फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल इंग्लिश मीडियम में दिखेंगे। हालांकि फीमेल लीड अभी तक फिक्स नहीं हुई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह में स्टार कर रहे हैं सलमान खान एंड आलिया भट्ट। एंड हाल ही में सलमान खान ने रिवील किया कि जब संजय लीला भंसाली उनके पास फिल्म की स्क्रिप्ट लेके गए थे तब उन्होंने कहा कि अगर सलमान ये फिल्म नहीं करेंगे तो वो ये फिल्म ही नहीं बनाएंगे। बट सलमान लव द स्क्रिप्ट एंड इनफैक्ट वो दोनों एक और फिल्म प्लान कर रहे हैं। भूषण कुमार की टी सीरीज अनाउंस करती है 4 फिल्म्स बैक टू बैक। अनीस बज्मी की पागलपंती रिलीज होगी ऑन द 22nd of November 2019। पति पत्नी और वो रिलीज होगी ऑन द 6th December 2019, जिसमें स्टार कर रहे हैं कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर एंड अनन्या पांडे। फिर आएगी तानाजी द अनसंग वॉरियर स्टारिंग अजय देवगन एंड दिस विल रिलीज ऑन द 10th of January 2020। एंड द 4th and final one इज भुज द नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें स्टार कर रहे हैं अजय देवगन, संजय दत्त, परिणीति चोपड़ा एंड सोनाक्षी सिन्हा। लेट यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा ट्वीट करते हैं अबाउट सुसाइड एंड डिप्रेशन एंड कुछ ही देर में अपना ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं। उदय लिखते हैं कि उन्होंने कुछ ही देर के लिए अपना ट्विटर डीएक्टिवेट किया था एंड उन्होंने तब मौत को करीब से देखा। उन्होंने ये भी लिखा था दैट दिस वाज फिनोमिनल, आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन टू सुसाइड। उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि वो ठीक नहीं है, वो ट्राई तो कर रहे हैं बट फेल हो रहे हैं। फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली की फिल्म RRR में स्टार करेंगे अजय देवगन और आलिया भट्ट। ये बात तो हमें पता ही है बट नाउ रिपोर्ट से पता चला है कि कलंक के कोस्टार संजय दत्त एंड वरुण धवन भी होंगे इस फिल्म का हिस्सा। ये फिल्म रिलीज होगी ऑन द 30th of July 2020। कंगना रनौत जो कि दिखेंगी जयललिता के बायोपिक में टाइटल थलाइवी। कंगना शेयर करती है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद की बायोपिक होल्ड पे डाल दी है क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट कर सकती थी एंड इसीलिए उन्होंने थलाइवी को चुना। सारा अली खान एंड कार्तिक आर्यन आर सीन सेलिब्रेटिंग इन दिल्ली फॉर द अवार्ड्स दे वन। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों दिल्ली में अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेट अस ऑल्सो टेल यू कि सारा का दिल्ली का शेड्यूल रैप हो चुका है। लेट श्रीदेवी को ये साल 64th एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया एंड ये अवार्ड रिसीव करने लेट श्रीदेवी के हस्बैंड बोनी कपूर और दोनों बेटियां जानवी और खुशी गए थे। CPAA यानी कि कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है एक फैशन शो जहां सोनम कपूर ने रैम वॉक किया विद हर एलिगेंस टू रेज फंड्स फॉर कैंसर सर्वाइवर्स अलोंग विद एस डिजाइनर अबू जानी एंड संदीप खोसला। सोनम के अलावा अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, करण जौहर और प्रीति जिंटा भी इस शो का हिस्सा थी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड टू मूवी टॉकीज फॉर मोर अपडेट्स ऑन बॉलीवुड।